हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइस, मैंने कल एक वीडियो डाली थी अपनी ननद के घर, तो वो मुझे किसी कारणवश डिलीट करनी पड़ी। कारण क्या है वो तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन मुझे मिल गया है एक नया व्लॉग, नया व्यू, और हनुमान जी की विशेष कृपा है मेरे ऊपर, मैं ये बोल सकती हूँ। वो क्योंकि हर सैटरडे और ट्यूसडे को हनुमान जी अपनी वानर सेना को मेरे घर भेज देते हैं, और वो बहुत उधम मचाते हैं और पड़ोसियों के घर में है। घर के पास लगा है एक जामुन का पेड़। पहले तो ये पेड़ बहुत बड़ा होता था, लेकिन अब ये काट दिए, लेकिन फिर भी ये बढ़ गया है। और आप देख सकते हो कि हनुमान जी की पूरी सेना आई पड़ी है और उछल कूद लगी पड़ी है, ऊपर नीचे जंप, केवल की तारे तोड़ दी, गमले पलट दिए, और नीचे मेरे स्वामी जी कर रहे हैं गाड़ी साफ, और मन को बोल रहे हैं कि आप ऊपर आ जाओ, क्योंकि क्या होता है गर्मी बहुत है। और जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल हर कोई जानवरों को भगा ही रहा है, तो इन जानवरों की भी क्या गलती है। जब जंगलों में फ्लैट बन रहे हैं तो ये भी बेचारे कहीं ना कहीं तो जाएंगे ही, और इनको अगर प्रॉपर खाना मिल जाए एक जगह, तो ये पूरी घर घर में, कॉलोनी में, सेक्टर में क्यों घूमे। लेकिन ऐसा नहीं है, अपनी गलती कोई नहीं मानता। तो ये जो बंदर है और भी जानवर निकल रहे हैं जो शहरों में आ रहे हैं, इन सब को शहरों तक पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं हम लोगों का ही हाथ है। तो सब अपनी अपनी गलतियों को सुधारे, तो ये बेचारे अपने जंगल में रहे, इनको क्या ज़रूरत किसी के घर आने की। लेकिन गाइस, मैं सैटरडे संडे को, ट्यूसडे को, ये जो मेरी बालकनी से बाहर बीम सा बना है, इसके ऊपर मैं इनको खाने के लिए कुछ रख देती हूँ, क्योंकि मैं ना गली में फेंक सकती हूँ कुछ खाने के लिए, ना किसी पड़ोसियों की छत पे फेंक सकती हूँ, लड़ाई हो जाती है। तो मैं अपने बरामदे में ही रख देती हूँ इनको, खीरा, टमाटर, जो भी रखना होता है। और अपने ड्यूक को कर लेती हूँ अंदर, और जब ये खा लेते हैं, खा के चले जाते हैं, तो मैं ड्यूक को बाहर निकाल देती हूँ। तो उससे क्या है, इनको भी डर रहता है कि हाँ इस घर में कुत्ता है, तो ये नुकसान नहीं करते। और आज तो सारा परिवार ही बैठ गया है आके सामने छत पे, और यहाँ पे ना हनुमान जी का मंदिर है। मैंने अपने ब्लॉग में दिखाया था, हनुमान जी की विशाल काय मूर्ति है, पूरा मंदिर दिखाया है। अगर आप सृष्टि भारद्वाज ब्लॉग के अंदर जाओगे तो वहाँ पे एक मैंने ब्लॉग बना रखा है, वो पूरा हनुमान जी के मंदिर के ऊपर है, हनुमान जी की मूर्ति के ऊपर है। और वो जी हनुमान जी की सेवक की लड़ाई हो चुकी है कुत्ते से, बोलू भग गया इनका आमने सामने हो गया, इधर भग गया। अरे सारे आए पड़े, बहुत सारे है, आप आओ पर डंडा लेके, बहुत सारे बैठे, अकेला क्या करेगा बेचारा। तो गाइस, मेरी तो मोस्टली आजकल जो है मॉर्निंग टी होती है, इन बंदरों की नोक झोंक देखते होती है। मैं चाय पी रही होती हूँ, कुत्ते का इधर से फाइटिंग, उधर से बंदर की फाइटिंग, सामने से दूसरे कुत्ते की फाइटिंग, मज़ा आ जाता है। तो मेरे ये जो अब 2-3 ब्लॉग होंगे, ये सारे के सारे हनुमान जी की सेना के ऊपर। अच्छा, वो जो पेड़ पे चढ़ा छोटा सा बच्चा, उसको ले आया ये? अलग अलग टाइमिंग के सब अलग अलग होंगे, लेकिन देखने को बहुत नज़ारा मिलेगा, बहुत मस्ती मिलेगी। तो गाइस, ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग, मिनी ब्लॉग, जो कि था हनुमान जी की सेना के ऊपर। और मन करे तो कमेंट में ज़रूर लिखिए जय श्री राम जी, जय हनुमान जी। और मन नहीं हो तो फिर कोई क्या कर सकता है। तो इसी के साथ, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे जो नेक्स्ट ब्लॉग है उसका नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच सके। इसी के साथ मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। गुड नाइट, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय।